हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्छ की एक रेसिपी। आज की हमारी जो रेसिपी है वो एक लॉस्ट रेसिपी में आ चुकी है। इसका नाम है छिब्बा ढोकली। ये गुजरात में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी पहले और ये एक फेमस रेसिपी थी, लेकिन अब ये एक लॉस्ट रेसिपी है। चलिए, इसके बेसिक इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं, ये किस तरह से बनती है, आज हम पूरी रेसिपी देखेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन द रेसिपी। सबसे पहले आप एक बोल ले लीजिए और एक स्ट्रेनर ले लीजिए। यहाँ मैं एक कप बेसन ले रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा आधा कप लिया है, दोबारा मैं ले रही हूँ, तो फुल भर के आपको एक कप लेना है, या आप एक कटोरी का नाप भी ले सकते हैं। एक कप बेसन को आपको अच्छे से छानना है। जब आप इसे छानेंगे तो इसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे और आपकी जो छिब्बा ढोकली है वो बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब मैं यहाँ पे बेसन को छान रही हूँ जिससे बेसन में कोई लम्प्स भी ना रहें और एकदम स्मूथनेस मेरे बैटर में आएगी। छिब्बा ढोकली के लिए हमने बेसन छान लिया है। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स आपको लगते हैं, इसका कुछ खट्टा मीठा टेस्ट होता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ एक पिंच के करीब हल्दी। बहुत हल्के मसाले डालने हैं इसलिए सब कुछ मैं पिंच डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक, पिंच ही मैंने नमक डाला है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिंच गरम मसाला। आप 1/8 टीस्पून या 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं अपनी क्वांटिटी के अनुसार। यहाँ मैंने पिंच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। इसके अंदर इन्हीं मसालों को डाला जाता है। इसके अलावा थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच चीनी का। आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर भी यूज कर सकते हैं। कसूरी मेथी मैं यहाँ पर ड्राई डाल रही हूँ, आप उसको हाथों से क्रश कर लें और उसके बाद कसूरी मेथी डाल दें। 1 से 1.5 चम्मच आपको कसूरी मेथी डालनी है। अब मैं डाल रही हूँ एक पूरे नींबू का रस। पूरा एक नींबू एक कप बेसन में चल जाएगा। अगर आप इसमें नींबू और मीठा नहीं डालेंगे तो ये जब ढोकली आप खाएंगे तो हल्का सा गला पकड़ेगी आपका, इसलिए इसमें नींबू और चीनी दोनों डालें। 1 चम्मच के करीब अब आप ऑयल डाल दीजिए। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अब आप मिक्स कर लीजिए और धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालते जाइए। पानी आप एक बार में ना डालें। छिब्बा ढोकली का जो बैटर है वो थोड़ा सा टाइट यानी गाढ़ा होता है, इसलिए 1/3 कप के करीब पानी लगेगा, लेकिन 2-2 टीस्पून या 2-2 टेबलस्पून करके ही आप इसके अंदर पानी डालें। आप देख सकते हैं अभी पूरा बैटर फॉर्म में नहीं आया है और कंसिस्टेंसी भी अभी फॉर्म नहीं हुई है। आप धीरे धीरे पानी डालें। यहाँ मैं 1/3 कप का यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून पानी और डालूंगी। आपके जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर आप बैटर को मिक्स कर रहे हैं और अगर वो फटता है, या देख सकते हैं आप अभी जिस तरह से दिख रहा है कि ये इकट्ठा नहीं हो रहा, स्मूथनेस नहीं है, अगर वो फटता है तो हल्का हल्का पानी डालें। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो 2 टेबलस्पून पानी लिया है वो मैं डाल रही हूँ और इसको हर बार मिक्स करती जा रही हूँ। इसमें आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आप पानी एक साथ ना डालें। आपको पता है कि इसमें कम पानी जाएगा, तब भी आप इसमें धीरे धीरे ही करके पानी डालें। पानी डालने के बाद, बैटर स्मूथ होने के बाद 15 मिनट का रेस्ट दे दें। 15 मिनट रेस्ट देने से बैटर आपका एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है जिसको मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया है। इसको इसलिए ग्रीस नहीं करना है क्योंकि हम इसे स्टीम में पकाएंगे, और अगर आप इसे ग्रीस कर देंगे तो ये हमारे बैटर को नहीं पकड़ेगी। अब आप एक फ्लैट स्पैचुला ले लें और उससे इसे बहुत इवनली स्प्रेड कर दें। और बिल्कुल एक पतली लेयर आपको जमानी है इसकी। ये आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे पतली सी हांडवी होती है, उस तरह की आपको एक लेयरिंग देनी है। इसमें बहुत थिक बैटर नहीं होना चाहिए। ये आपका जो चीला बनता है ये उससे भी बहुत पतला लेयर होगी, इसलिए जब आप इसको 2 से 3 टीस्पून या टेबलस्पून जब आप बैटर लें तो उसे बहुत अच्छे से फैलाएं। और जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है, देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्स्ट्रा बैटर मैं निकालती जा रही हूँ। आप इसको प्लेन करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा बैटर होगा वो आप निकाल दीजिए। एक थिन लेयर हमें चाहिए, लेकिन थाली नहीं दिखनी चाहिए, पूरी तरह से कवर हो जानी चाहिए आपकी थाली। अब आप इसको कैसे टेस्ट करें कि आपका बैटर सही है? आप बिल्कुल अपनी थाली को उल्टा कर दीजिए। अगर आपका बैटर टपक रहा है कहीं से भी तो आपका बैटर की कंसिस्टेंसी सही नहीं है, लेकिन अगर आपका बैटर बिल्कुल भी नहीं टपकता है तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 4 ग्लास पानी उबलने चढ़ाया था। अब मैं अपनी छिब्बा ढोकली की जो प्लेट है उसे अपसाइड डाउन यानी जिस साइड हमने ढोकली लगाई है
उस साइड की तरफ से इसे उबलने रख दूंगी। कम से कम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट आपको स्टीम करना है और 3 से 4 मिनट जब तक हमारी ढुकली स्टीम होती है, हम एक और प्लेट तैयार कर लेते हैं। एक कप बेसन के अंदर आपकी 3 प्लेट बनके तैयार होंगी छिबा ढुकली की। एक प्लेट के अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमारा बैटर लगता है। यहाँ मेरी सेकेंड प्लेट भी रेडी हो गई है। मैं इसको इवनली इसको स्प्रेड कर रही हूँ और जितना एक्स्ट्रा बैटर है वो रिमूव कर रही हूँ। जहाँ से भी आपको लगता है कि आपकी प्लेट दिख रही है वहाँ पे आप थोड़ा सा बैटर और अप्लाई कर दें। 3 से 4 मिनट के अंदर मेरी डिश तैयार हो चुकी है। जिस प्लेट को मैंने ऊपर रखा था उसको धीरे से पानी से रिमूव कर लें। एक बार हाथ लगा के देख लें, अगर आपके हाथ में बेसन आता है तो ये सही नहीं है, तो इसे 1 से 1.5 मिनट और पकाएं। क्योंकि मेरे हाथ में बेसन नहीं चिपका इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर गरम गरम ढोकली के ऊपर ही 1 टीस्पून के करीब मूंगफली का तेल लगा रही हूँ। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब आप इस ढोकली के ऊपर अचार का मसाला या लाल मिर्च का पाउडर, दोनों में से किसी भी चीज को भुरक सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑथेंटिक रेसिपी के लिए अचार का मसाला लगाया है। अचार का मसाला भुरकने के बाद अब आप इसमें लंबे लंबे स्ट्राइप्स के कट दे दीजिए और एक बार लंबे कट देने के बाद आप इसको साइड से थोड़ा सा रिलीज कर लीजिए। यानी जैसे कि हम ढोकले को या केक को एजेस पे हम नाइफ चलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एजेस पे आप नाइफ चला दीजिए। जिस जगह पे हमारी स्टीम नहीं लगी होगी वो एरिया ड्राई होगा और वो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जहां स्टीम प्रॉपरली लगेगी वो छिबा ढोकली बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन के निकलेगी। अब आप एक फ्लैट स्पैटुला लें और उससे धीरे धीरे से स्क्रेप करें। जी हाँ, ये इसी तरह से बनती है। यही इसका ऑथेंटिक तरीका है कि आपको छिबा ढोकली को स्क्रेप करके निकालना होता है। दोनों ही तरफ से ये बहुत अच्छे से पक जाती है। इसका खट्टा मीठा टेस्ट होता है। ऊपर से आप जब इसे ऑयल लगा देते हैं और अचार का मसाला या थाना मसाला लगा देते हैं तो ये आपका गला नहीं पकड़ती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये बेसन की है तो हो सकता है गला पकड़े या टेस्ट में अच्छी ना लगे, लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। कच्छ में बेसिकली इसे इलायची की चाय, अथाणा मसाला और तेल के साथ सर्व किया जाता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत इजी रेसिपी है, बेसिक रेसिपी है। आपने ढोकला खाया होगा, खांडवी खाई होगी, लेकिन एक बार आप इस छिबा ढोकली को भी बना के देखिए। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ओरिजिनल है। जैसे आप खाएंगे तो सारे फ्लेवर्स आपके मुंह में आएंगे। और ये जो हम ऑयल इसके अंदर हम ब्रश कर रहे हैं इसका आपको बिल्कुल भी पता ना चलेगा। यहाँ मैंने अपनी छिबा ढोकली को सर्व किया है मूंगफली के तेल और अथाने के साथ, यानी अचार के मसाले के साथ। आप भी इसे ट्राई करें, गर्मा गर्म चाय के साथ बना के खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। एक गुजरात की रेसिपी जो लॉस्ट है, चलिए एक बार फिर उसको बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस छिबा ढोकली के बारे में अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। इस छिबा ढोकली को बनाने के बाद अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।